नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। थलिया थाना क्षेत्र के बड़ी ग्राम पंचायत के प्रधान जीत बहादुर पटेल की 57 की उम्र में सोमवार सुबह घर के सामने टुल्लू में तार लगाने के दौरान करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। काफी देर बाद मौके पर पहुंचे भाई हीरालाल पटेल ने प्रधान को जमीन पर गिरा देखकर अवाक रह गए। आनन फानन में उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया लेकर गए, जहां हालत गंभीर देखकर चिकित्सक ने मंडलीय चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। मंडलीय अस्पताल में पहुंचते ही चिकित्सक ने ग्राम प्रधान को मृत घोषित कर दिया। ग्राम प्रधान की मौत की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रधान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्राम प्रधान की मौत की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर व्याप्त हो गई है। ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष शिव बाबू सेठ और विभिन्न ग्राम पंचायत के प्रधानों ने घर पहुँच कर शोक जताया। बीडीओ हलिया राकेश कुमार शुक्ला व एडीओ पंचायत अरुण कुमार मिश्रा व ब्लॉक कर्मियों ने ग्राम प्रधान की मृत्यु पर गहरा शोक जताया। मृत ग्राम प्रधान को 3 पुत्र व 4 पुत्रियां हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्राम प्रधान 3 भाइयों में मंझले थे। घटना से गांव में मातम पसरा हुआ है। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग पटेल है। जी जी। और ये हमारे जो है वार्ड प्रधान थे जी। कैसे घटना घट गई है ये? करने गए थे और जो पानी था वो गड्ढे में, उसी गड्ढे का पानी खेत में निकाल गए थे। उसके बाद जो है ये पाव भी थे, स्नान भी थे उद्देश्य से। जी जी। और उसके बाद वहाँ पर गए, सोचे कि गड्ढे का पानी एकत्रित है उसको बाहर कर दे, फिर गड्ढे से पानी जाएगा। जी जी। और वही पटिया लगाने, टुल्लू लगाने गए थे, पटिया एक खटक गई, उनको करंट मारा और गिर गए। और एक तार, बिजली का तार जो एक लाइन में लगा था और एक उनके सर पर, शरीर पर गिरा और उससे उनकी मौत हो गई। धन्यवाद।